गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का यूनिक कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से जो है चार्ल्स डिकेंस का ही पढ़ते हैं। चार्ल्स डिकेंस के जो है कुछ वीडियो मैंने दिए थे और उसके बाद आज अलग से दो देखते हैं थोड़ा सा, जिसमें सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन है कि चार्ल्स डिकेंस फादर वाजे, चार्ल्स डिकेंस के फादर क्या थे दोस्तों? तो ये एक जो है क्लर्क थे। चार्ल्स डिकेंस फादर वाज जॉन डिकेंस हु वॉज ए क्लर्क इन द नेवी पे ऑफिस एंड वॉज टेम्परेरली स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? जॉन डिकेंस था, जो है नेवी पे ऑफिस में एक क्लर्क के पद पर काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले दोस्तों कुछ एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। विच नावल इज ऑटोबायोग्राफिकल? दोस्तों अगर चार्ल्स डिकेंस की बात करेंगे तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल रही है वो डेविड कॉपरफील्ड रही है। एडविन रूड इज डिकेंस, ये दोस्तों अनफिनिश्ड नावल इनकी रही, एडविन रूड। द लार्ज डिले इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, तो दोस्तों ये लिटिल जो है डोरीट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? द मोस्ट वर्थलेस वर्क ऑफ डिकेंस इज द चाइल्ड्स स्टोरी ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? द नावेल इज ए टेल सफरिंग एंड हार्डशिप ऑफ लिटिल नेल एंड हर ग्रैंड फादर। दोस्तों इसका जो आंसर सही है द ओल्ड क्यूरियासिटी शॉप। हु वॉज द एडिटर ऑफ डेली न्यूज? तो दोस्तों ये कौन सा सही है? ये डिकेंस, माने कौन एडिटर था? डिकेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, विच ऑफ द फॉलोइंग नावेल्स बाई डिकेंस अटैक्स द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर्स? तो दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो ओलिवर ट्विस्ट, ये ओलिवर ट्विस्ट आपका इसका आंसर सही है, जो कब पब्लिश हुआ था दोस्तों? 1837 से लेकर 1839 के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, टू इन लिवेन मोरालिटी विथ विट एंड टेम्पर विट विथ मोरालिटी इज द प्रोफेस्ट एम ऑफ। तो दोस्तों इसका जो सही है द पिकविक पेपर्स, कौन सा सही है? द पिकविक पेपर्स, जो कब पब्लिश हुआ था दोस्तों? 1836 में हुआ था और इसमें बोझ नाम का एक कैरेक्टर था और इनकी ये फर्स्ट नावेल भी रही है दोस्तों, पिकविक पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच वन ऑफ डिकेंस इन कम्प्लीट वर्क? तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों कौन सा इनका इनकम्प्लीट है, भी मैंने बताया था कि एडविन ड्रूड इनका अनफिनिश्ड वर्क है, एडविन ड्रूड। नेक्स्ट है दोस्तों, लेडी डेडलॉक एक कैरेक्टर ऑक्यूर्स इन डिकेंस। तो दोस्तों जो लेडी डेडलॉक है वो ब्लीक हाउस में इनका एक कैरेक्टर लिया गया है, ब्लीक हाउस में इनका एक कैरेक्टर जो जिसका नाम है लेडी जो है डेडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन डेल्ट विथ इन डिकेंस द ब्लीक हाउस? तो दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो लार्ज डिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकेंस रिपोर्ट्स पार्लियामेंट्री डिबेट्स? तो दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो आपका मिरर ऑफ पार्लियामेंट, इसका कौन सा जो है कौन सा पेपर था दोस्तों? मिरर ऑफ पार्लियामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वॉज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नावल? तो मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया कि पिकविक पेपर्स इनका क्या है, फर्स्ट नावल है, जो 1836-1837 के बीच में आया था। नेक्स्ट है दोस्तों, विच रिवॉल्यूशन जो है डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज? मैंने बताया था दोस्तों इसमें लंदन और पेरिस के बारे में बताया गया था, और ये कब आया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिकेंस? इसमें से दोस्तों कौन सा ऐसा है जो डिकेंस का नहीं है? तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही है? ये ओल्ड जो है फाउंटेंस, जो इनका जो है डिकेंस का नहीं है, बाकी सब जो है उन्हीं का है, बाकी ओल्ड जो है ये ओल्ड जो है फॉर्चुनेशन दोस्तों ये उनका नहीं है, ये किसका है? थॉमस डेकर का है। ये किसका है दोस्तों? थॉमस
देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली जो है मैच्ड, जैसे थॉमस जो है ये ग्रैंड ग्रीन, हार्ड टाइम्स रिचार्ज जो है कास्टम ब्लैक हाउस, एडा क्लेयर ब्लैक हाउस, एबल मैगविच ओलिवर ट्विस्ट। तो इसमें दोस्तों ये लास्ट वाला ही ऐसा है जो मिसमैच है। ये हमारा कहाँ से है, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन से है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रॉस, किस बुक में चार्ल्स डिकेंस के हम लोग पाते हैं कि जो कैरेक्टर है मिस प्रॉस है। तो दोस्तों ए टेल ऑफ टू सिटीज, मैंने आपसे बार बार कहा कि इसमें दोस्तों दो जहर शहरों के बारे में बताया गया है, लंदन और पेरिस के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों द लास्ट बुक दैट डिकेंस रोट वाज, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपका इसका आंसर दोस्तों सही है। नेक्स्ट है दोस्तों अ वेल नोन इंग्लिश राइटर रोट फॉर द मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द सीरोनिम ऑफ बोज, हु वाज ही, तो दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो चार्ल्स डिकेंस। ये चार्ल्स डिकेंस ने जो है नेम दिया, सीडोनिम बोज दिया था, निकनेम दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।